हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रिवीजन लेक्चर दैट इज़ ऑन ग्रेच्युटी। यस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ग्रेच्युटी अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में आप ग्रेच्युटी का प्रोविज़न कैसे डील करेंगे, मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रही हूँ। सो आपने मेरे पहले के रिवीजन लेक्चर भी देख रखे होंगे, आई होप कि आपको वो रिवीजन लेक्चर पसंद आए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट रिवीजन लेक्चर ऑल्सो। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ ग्रेच्युटी। तो हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेच्युटी रिसीविंग ड्यूरिंग द सर्विसेज एंड रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिली हो, या तो ग्रेच्युटी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ मिली हो। तो अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव की है ड्यूरिंग द सर्विस, तो दैट विल बी द फुली टैक्सेबल। यस, अगर आपने कोई भी ग्रेच्युटी जो है वो सर्विस के ड्यूरेशन में मिली है तो वो आपको फुली टैक्सेबल होगा। एंड इन केस रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो उसका हम प्रोविज़न देखते हैं। अगर आप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज हैं, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉई है, देन वो जो ग्रेचुटी आपको मिली है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या तो डेथ, वो आपको फुली एग्जम्प्ट हो जाएगी आपके हाथ में। बट इन केस आप अदर एम्प्लॉई हैं अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी को छोड़ के, देन क्या ट्रीटमेंट होगा। इन केस आप कवर्ड हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एंड नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, सी दो केसेस हैं, या तो आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर हो या इधर, और या तो आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर नहीं हो। तो इन केस अगर आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर हो तो आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(2). ठीक है, अगर आप कवर हो तो आपको क्या एग्जेम्पशन मिलेगी, पहला 20 लाख, दूसरा जो आपने एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव की है, एंड थर्ड 15 डेज सैलरी, 15 दिन की सैलरी आपने कैसे लेनी है, बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो आपकी सबसे लेटेस्ट सैलरी होगी जो आपने सबसे आखिरी में ड्रॉ की है। ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस और द पार्ट इन एक्सेस ऑफ द 6 मंथ। तो आपको उससे किस चीज़ से इंटू करना है, जितने भी आपने सर्विस पीरियड दी है, जितने आपने कंप्लीटेड दी है, और अगर आपने 6 मंथ या उससे ज़्यादा दी है तो आपको वो पूरा 1 साल काउंट हो जाएगा। एंड आपको इंटू करना है नंबर ऑफ़ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26, एंड कितने नंबर ऑफ़ डेज होंगे एक महीने में वो आपको कैसे लेना है, वो आपको 26 लेना है। तो सी, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर हैं तो आपके ऊपर ये प्रोविज़न लगेगा, दैट इज़ 20% एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव एंड 50 डेज की सैलरी जो आपने ड्रॉ की है इंटू नंबर ऑफ़ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन 26। ये नाउ अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो देन आपके ऊपर क्या प्रोविज़न लगता है। सो इन केस यू आर नॉट कवर्ड इन द ग्रेचुटी, देन आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, दैट इज़ 10(10)(3) की एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। दैट इज़ फर्स्ट 20 लाख, सेकेंड एक्चुअल ग्रेचुटी जो आपने रिसीव किया, एंड थर्ड हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी। मतलब हाफ मंथ की सैलरी कैसे लेंगे, जो आपका एवरेज होगा लास्ट 10 महीने की सैलरी का, उसका, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। किस चीज़ का, जितने भी आपके कंप्लीटेड ईयर होंगे सर्विस के। सी, यहाँ पे आपको 6 मंथ वाला बेनिफिट नहीं मिला है। देखिए, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते तो वहाँ पे आपको अगर 6 मंथ से ज़्यादा आपने सर्विसेज दिए तो आपका वो पूरा 1 साल काउंट हो जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने 10 मंथ भी सर्विसेज दी हैं तो, बट हम उसको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। तो जितनी आपने कंप्लीटेड ईयर दी होंगे उतनी, तो यहाँ पे क्या, विच एवर इज लोअर, 20 लाख एक्चुअल ग्रेचुटी जो आप रिसीव कर रहे हो, एंड हाफ मंथ ऑफ द सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, राइट। तो सो ये ग्रेचुटी का चार्ट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ ग्रेचुटी, एंड अब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने जाती हूँ। ठीक है, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी इज़ अ वॉलेंट्री पेमेंट मेड बाई द एम्प्लॉयर इन एप्रिशिएशन ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाई द एम्प्लॉय। Nowadays, gratuity has become a normal payment applicable to all employees. In fact, payment of the Gratuity Act 1972 is a statutory recognition of the concept of gratuity. Almost all employer enter into an agreement with employee to pay gratuity. ठीक है, ग्रेचुटी जो है एक टाइप ऑफ का एप्रिशिएशन है जो आप सर्विसेज रेंडर के ड्यूरेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। नाउअडेज ग्रेचुटी जो है नॉर्मल है, एंड सभी लोग, सभी एम्प्लॉयर जो होते हैं इसे, ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयर इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय टू पे ग्रेचुटी। ठीक है, राइट। नाउ एग्जेम्पशन की बात करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी जो सेक्शन 10(10) की है।
इट्स स्टेटमेंट इज डिस्कस बिलो रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव अंडर द पेंशन कोड और रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज इज अ फुली एग्जेम्प्ट. जो रिटायरमेंट अगर डिफेंस से एम्प्लॉय को मिल रही है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. सेकेंड वन, अगर एम्प्लॉय सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज है, लोकल अथॉरिटी है, तो अगर उनको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो मिल रहा है दैट विल बी द फुली एग्जेम्प्ट. एंड नाउ नेक्स्ट अदर एम्प्लॉय की हम बात करते हैं. तो अदर एम्प्लॉय क्या है, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972. अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो देन आपके लिए कितना होगा, एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग बट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज 20 लाख, सेकेंड ग्रेचुटी एक्चुअली जो आपने रिसीव किया है, एंड थर्ड 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ऑन सैलरी फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. नोट, जो हम सैलरी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी फॉर दिस पर्पज मीन्स कर बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी लेंगे, एंड डियरनेस अलाउंसेस नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर दिस पर्पज सैल बी टेकन टू बी 26. सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी एंड डीए होता, और उसके अलावा हम कोई भी कमीशन वमीशन सैलरी में ऐड नहीं करते हैं. सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें आप अदर एम्प्लॉय में जो ग्रेचुटी में सी जैसे डिफेंस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे लोगों को तो ग्रेचुटी टोटली एग्जेम्प्ट है, ठीक है, बट जो अदर एम्प्लॉयज़ है, अदर एम्प्लॉयज़ में भी पहला क्या कंसर्न है कि अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो तो आपको इतनी एग्जेम्प्शन मिलेगी. एंड नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न होगा, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होगे तो आपको क्या एग्जेम्प्शन मिलेगी. सो सेकेंड वन इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट 1972. अगर आप किस में कवर्ड नहीं है, ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है, देन क्या होगा, एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव बाय द एम्प्लॉई ऑन हिज रिटायरमेंट और हिज बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू द सच रिटायरमेंट और ऑन हिज टर्मिनेशन और एनी ग्रेचुटी रिसीव बाई हिज विडो चिल्ड्रन और डिपेंडेंस डिपेंडेंट ऑन हिज डेथ इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द लास्ट एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अगर आप 1972 में कवर नहीं है तो आपके विडो को, आपके चिल्ड्रन को कितना ग्रेचुटी जो मिलेगा वो कितना एग्जेम्प्ट होगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा वो 20 लाख, सेकेंड एक्चुअल ग्रेचुटी जो रिसीव हो रहा है, एंड द थर्ड वन इज हाफ मंथ की सैलरी जो आपने ड्रॉ की है बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी. आपको पिछले सालों का 10 महीने का एवरेज सैलरी देना है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, एंड फ्रैक्शन अगर कोई भी होगा तो आप उसको क्या करेंगे, टू बी इग्नोर्ड. नोट में क्या लिखा हुआ है, सैलरी फॉर दिस पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी एंड डीए ओनली If provided in the term of employment for retirement benefit forming part of the salary and commission which is expressed as a fixed percentage of turnover. Now, note mein kya likha hua, the student must also note the following point. This point is a very important, please keep in the mind. Gratuity received during the period of the service is a fully taxable. Aapko service ke dauran agar gratuity mil jati hai to puri taxable ho jayegi. Second caveat, gratuity is received from the two or more employer in the same previous year, then aggregate amount of the gratuity exempt from tax cannot exceed 20 lakh. 20 lakhs agar do ya do se zyada employer se mila to wo bhi 20 lakh se zyada ho nahi sakta, theek hai. And the third one is where gratuity is received in any earlier previous year from former employer and again received from another employer in the later previous year. Pehle aapko gratuity mil gayi, uske baad dusre employer se agle kuch saalon ke baad ya later previous year mein mil rahi hai. The limit of the 20 lakh will be reduced by the amount of the gratuity exempt earlier. तो आपको जितनी ग्रेचुटी आपने पहले एग्जेम्प्ट करवाई थी उससे आपकी 20 लाख की लिमिट जो है वो घट जाएगी. सो दिस वॉज द कम्प्लीट रिविजन. आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर